हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 9, सॉइल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल एटसेट्रा एटसेट्रा। सो गाइस, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इट प्रोवाइड एनकरेज टू प्लांट एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये प्लांट को एनकरेज करता है और ये वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का क्या होम होता है, घर। सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। और जो एग्रीकल्चर है वो क्या प्रोवाइड कराता है, मैं खाना, कपड़े और शेल्टर। ठीक है, सभी के लिए। सॉइल इज दस एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो सॉइल जो है हमारी लाइफ का एक इंस्पिरेबल पार्ट है। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। ठीक है, यानी कि पहली बारिश के बाद जो सॉइल होती है वो क्या होती है, रिफ्रेशिंग हमेशा। सॉइल टीविंग विद लाइफ। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बोजो ऑब्जर्व एन अर्थवर्म कमिंग आउट द सॉइल। ठीक है, बारिश के सीजन में पहेली और बोजो ने ऑब्जर्व किया कि अर्थवर्म जो है वो सॉइल से बाहर आए। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट। तो उन्होंने क्या सोचा कि और भी ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर रहते हैं, तो ये उनके मन में एक क्वेश्चन आया, तो उन्होंने ये लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 9.1 देखेंगे, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ सॉइल सैंपल लेना है और उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यू कैन यूज अ हैंड लेंस। ठीक है, आप हैंड लेंस का यूज भी कर सकते हैं। एग्जामाइन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। ठीक है, और एक जितने भी आपने सॉइल सैंपल लिया उनको एक एक को केयरफुली देखना है, एग्जामाइन करना, फिर उनको टेबल 9.1 ये जो टेबल दी हुई है इसमें लिखना है। ठीक है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड। जो आपने ऑब्जर्वेशन बनाई है इसको अपने फ्रेंड के संग डिस्कस करें। आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय यू योर फ्रेंड सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। क्या जो आपके फ्रेंड ने और आपने सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करे हैं वो क्या सिमिलर हैं या नहीं। बोजो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मेनी वे, दे इंजॉय प्लेइंग विद इट, इट इज ऑल्सो ग्रेट फन इंडीड। ठीक है, ये मतलब एक फन भी है। मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेज ऑफ सॉइल। ठीक है, और आपको क्या लिस्ट बनानी है किसकी, यूजेज ऑफ सॉइल की। ठीक है, सॉइल के यूज क्या क्या होते हैं, देखो। सॉइल सोर्स क्या होता है, गार्डन सॉइल हो गई, सॉइल फ्रॉम रोड साइड, सॉइल फ्रॉम एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, और दो जगह की सॉइल, अलग अलग जगह की सॉइल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने गार्डन सॉइल ली, यानी कि ग्रास हो गया, एनिमल आंट हो गई वहाँ पे रहने वाली, और भी अदर ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यह टेबल आपको फिल करनी है कुछ और सैंपल, सॉइल के सैंपल कलेक्ट करके। ओके, अब देखते हैं ये 9.2 सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज्ड। ठीक है, सॉइल की क्या होती है, डिस्टिंक्ट काफी लेयर्स होती हैं, तो एक्टिविटी के द्वारा हम उनकी लेयर को अरेंज करेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एक्टिविटी 9.2 देखेंगे, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प विद योर हैंड टू पाउडर इट, नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विद वाटर। ठीक है, आप क्या करना है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उसकी जो क्लम्प्स यानी कि उसमें जो मोटी मोटे बूंदे यानी कि डले से होता है उनको क्या करना है, मैशअप कर लेना है, उसको बिल्कुल पाउडर बना लेना है सॉइल को। फिर आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है और उसको 1/3 3/4 आपको उसको फिल करना है वाटर से। ठीक है, एंड देन एंड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। ठीक है, और फिर उसमें हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर उसमें आपको क्या, स्टिर इट वेल विद अ स्टिक ऑफ डिजोल्व्ड टू द सॉइल। ठीक है, जब तक वो पूरा उसमें डिजोल्व ना हो जाए तो उसे मिक्स करो ना, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। ठीक है, उसको कुछ थोड़ी देर के लिए अलग रख दो। Afterward, observe it and answer the following question. ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद इन questions के आंसर देना है। ठीक है, Do you see layers of particle of different size in the glass tumbler? आपने क्या
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स की अलग अलग उसकी मतलब लेयर देखी। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर, और इन लेयर्स को शो मतलब इन लेयर्स को दिखाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है। जो डेड रोटिंग लीव्स हैं या एनिमल्स वो क्या होता है, उस पर फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। जो रोटिंग डेड मैटर होता है सॉइल में उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस, ठीक है। तो ये लेयर्स ऑफ सॉइल है, ये जो सबसे लोअर मोस्ट जो सॉइल है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेवल, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, सैंड, ये हमारी क्ले हो जाएगी, और ये हमारा वाटर, और उसके ऊपर ये ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, हमारा रोटिंग डेड मैटर जो होता है सॉइल में उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो सॉइल कहाँ से फॉर्म होती है, जो चट्टानें होती हैं उनके ब्रेकिंग डाउन से, और वो ब्रेक डाउन किससे होती हैं, बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर और क्लाइमेट, ओके। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ओके। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक From which it has been formed and the type of vegetation that grown in it, ठीक है। यानी कि जो नेचर, किसी भी सॉइल का नेचर होता है वो रॉक पर डिपेंड करता है, जहाँ से कि वो कहाँ से वो फॉर्म हुई है और उसके ऊपर किस टाइप के वेजिटेशन ग्रो होते हैं, ठीक है, रॉक पे। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। एक वर्टिकल सेक्शन जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर हमें शो करता है सॉइल की, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। वो हमारे लिए क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल। Each layer differ in feel, texture, ठीक है। हर जो layer होती है वो क्या होती है, different होती है। Color, depth and chemical composition, यानी कि हर जो soil होती है, soil के layer है वो different होती है, color में, depth में और chemical composition, ठीक है। These layer are referred to as horizons, और इन layer, ये layer किससे refer करते हैं, horizons से, ठीक है। ये फिगर में दिखाया हुआ है, इसको हम ए होरिजोन बोलेंगे, इसको बी होरिजोन, इसको सी होरिजोन, और इसको बी बेड रॉक बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बेड रॉक। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ सॉइल नॉट द लेयर बिलो इट, ठीक है। हम क्या ज़्यादातर जो मतलब टॉप सरफेस होता है सॉइल का, हम उसी को देख पाते हैं, उसकी लेयर्स नहीं दिख पाती, ठीक है, जो उसके नीचे होते हैं। इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। अगर हमने कोई अभी मतलब एक गड्ढा खोदा है तो उसमें हम उसकी इनर लेयर देख सकते हैं सॉइल की, ठीक है। सच अ व्यू एनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल हम क्या कब कब देख सकते हैं, या तो जब हमने कोई वेल यानी कि हमने कुछ खोदा हो, ठीक है, और या फिर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन, लेइंग फाउंडेशन, उसमें भी हम देख सकते हैं। It can also be seen the side of road on hill at the steep river bank. इन जगह भी हम देख सकते हैं। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and mineral. ठीक है, जो uppermost horizon होती है वो generally dark होती है color में और rich होती है humus और mineral. Mineral और humus में वो rich होती है। The humus make the सॉइल प्रोफाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग प्लांट, ठीक है। जो ह्यूमस क्या होता है, वो सॉइल प्रोफाइल बनाता है और ग्रोइंग प्लांट जो होता है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, ठीक है। ये लेयर क्या होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और अ ए होरिजन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं ये, और इसको हम ए होरिजोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लें टॉप सॉइल, ठीक है। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बॉम रोडेंट्स मोल्स एंड बेटल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि कौन किस किस को करते हैं, वॉर्म्स को, रोडेंट्स को, मोल्स को, बैटल्स को। द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल,
ओके, द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल. ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट लेयर है यानी कि बी हॉरिजॉन, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी ह्यूमस की अमाउंट जो है वो लेसर होती है लेकिन मोर इन मिनरल, मिनरल में ज्यादा होती है. दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट एंड इट इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और द मिडल लेयर. ठीक है, और ये जो लेयर होती है वो जनरली क्या होती है, हार्डर होती है और कम्पैक्ट होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बी हॉरिजॉन. और दूसरे उसमें बोले हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको मिडल लेयर. द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजॉन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक विद क्रैक एंड क्रीव्स. ठीक है, जो थर्ड लेयर होती है वो सी हॉरिजॉन होती है जो कि छोटे छोटे लम्प्स, रॉक के छोटे छोटे लम्प्स से बनी होती है. ठीक है, बिलो द लेयर इज अ बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पेड. ठीक है, और जो इस लेयर की यानी कि सी हॉरिजॉन लेयर के नीचे होती है उसको हम बेड रॉक बोलते हैं. वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है और हमें उसको स्पेड के द्वारा खोदना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सॉइल के टाइप्स. ठीक है, एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल. ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो वेदरिंग यानी कि रॉक की वेदरिंग ऑफ रॉक जो कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स और अलग अलग तरीके के मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं. दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले. इसमें क्या, सैंड और क्ले भी इंक्लूड. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल वर फॉर्म, दैट इज द पेरेंट रॉक. ठीक है, जो रिलेटिव अमाउंट होते हैं सैंड या क्ले की वो क्या करती है, वो किस पे डिपेंड होती है, रॉक पे डिपेंड होती है जहाँ से वो पार्टिकल फॉर्म होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. और सॉइल का डेफिनेशन हो गई हमारी ये कि रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल. ठीक है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्लांट रूट्स हो गई और अर्थवर्म हो गया, ये सभी क्या है, हमारे सॉइल, किसी भी सॉइल के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. द सॉइल इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइजेस. ठीक है, जो हमने सॉइल को क्लासिफाई किया है किसके बेसिस पे किया है, प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे किया है. ठीक है, जो कि अलग अलग वेरियस साइजेस के हैं. If soil contain greater proportion of big particle, it is called sandy soil. अगर जो soil contain करेगी greater proportion big particle का तो उसको हम क्या बोलेंगे, sandy soil बोलेंगे. और if the proportion of fine particle is relatively higher होगा तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, the size of the particles in a soil has an influence on its property. Sand particle are quite large. Sand particle जो होते हैं वो क्या होते हैं, large होते हैं, they cannot fit close together. वो एक दूसरे के पास फिट नहीं हो सकते. सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम. तो उनके बीच में क्या होता है, बहुत लार्ज स्पेस होता है. ठीक है, दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर. और ये स्पेस किससे फिल्ड होता है, एयर से फिल्ड होता है. वी कैन से दैट द सैंड इज वेल एरेटेड. ठीक है, सैंड क्या है, एरेटेड. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल. सो सैंड सॉइल टेंड टू बी टाइट, वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई. ओके, क्ले पार्टिकल बींग मच स्मॉलर पैक टाइटली टूगेदर लीविंग द लिटिल स्पेस फॉर एयर. ठीक है, जो क्ले पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉलर होते हैं और वो एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं और थोड़ा सा स्पेस उनके बीच में छोटा हुआ होता है एयर का. ठीक है, अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन टिनी गैप बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले. ठीक है, जो सैंडी सॉइल में देखेंगे अब हम कि वाटर जो क्या होता है, छोटे छोटे गैप्स जो होते हैं पार्टिकल, क्ले के पार्टिकल के बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, उनमें क्या वाटर फिल होता है. सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर. तो क्ले सॉइल के पास क्या होते हैं, एयर कम होती है. ओके, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल. ठीक है, लेकिन उनके पास क्या, वो क्या होते हैं, हैवी होती हैं एज दे होल्ड मोर वाटर, जैसे कि वो और भी ज्यादा वाटर को होल्ड कर सके देन सैंडी सॉइल से. ठीक है, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लूम. ठीक है, जो ग्रोइंग प्लांट के लिए बेस्ट सॉइल जो होती है, बेस्ट टॉप सॉइल, वो क्या होती है, लूम होती है. ठीक है, लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट. ठीक है, जो लोमी सॉइल होती है वो सैंड, क्ले और भी अदर टाइप के पार्टिकल्स का मिक्सचर होती है.
Silt occur as a deposit in river beds. The size of silt particle is between those of sand and clay. और इसका size क्या होता है? Between sand और clay के between इसका size होता है. The loamy soil also has humus in it. ठीक है, loamy soil में क्या होता है? Humus भी होता है. It has the right water holding capacity for the growth of plant. ठीक है, और इसकी क्या होता है? Right water holding होती है, जिससे कि क्या होते हैं? प्लांट की ग्रोथ की कैपेसिटी. अब देखेंगे एक्टिविटी 9.3. कलेक्ट सैंपल ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल. टेक अ फिस्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वंस ऑफ द सैंपल. रिमूव एनी पेबल्स रॉक और ग्रास ब्लेड फ्रॉम इन इट. नाउ एड वाटर टू ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल. एड जस्ट इनफ वाटर सो दैट दैट अ बॉल कैन अ मेक फ्रॉम इट, बट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी. ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम द सॉइल on a flat surface. Roll this ball into a cylinder. Take to make a ring from the cylinder. Repeat this activity with other sample also. Does the extent to which a soil can be a shape of indicated type. Can you suggest which type of soil would be the best for making toys and statues. देखो इस पूरी activities में क्या कहा है. इन्होंने कहा है कि आपको कुछ sample collect करने हैं clay के, loamy और सैंडी सॉइल के. ठीक है, फिर उसमें आपको फिस्टफुल यानी कि उसमें आपको जितने भी पेबल्स, रॉक या ग्रासेस हैं उन सबको क्या रिमूव कर देना है. ठीक है, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपको उसको एक बॉल बनाने ली है. ठीक है, और वो ज़्यादा स्टिकी ना हो, मतलब पानी नहीं, ज़्यादा पानी डाल के नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करना है. ठीक है, फिर उसके बाद एक बॉल बनने के बाद आपको उसको क्या करना है, सरफेस पे सिलेंडर की शेप में उसको मूव कराना है. ठीक है, रोल कराना है. ठीक है, इनटू अ सिलेंडर. ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसको, और यही एक्टिविटी आपको सारी सॉइल के साथ रिपीट करनी है. ठीक है, और फिर सब सॉइल के साथ रिपीट करने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सी सॉइल, जो सॉइल है, कौन सी सॉइल ऐसी है जिसने ये सबसे अच्छी शेप उस सॉइल की आई है. ठीक है, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी सॉइल है जो कि बेस्ट मेकिंग है पॉट्स, टॉयज और स्टैचूज बनाने के लिए. तो इसका सिंपल सा आंसर है क्ले. क्ले से हम पॉट्स, टॉय वगैरह बहुत अच्छे से बनते हैं. ओके.